press the bell icon on YouTube app and never miss another update. दोस्तों, जो भी आपने मेरी वीडियो देखी है तो कितना अच्छा होता कि आप खुद बना सकते हैं ये अपने पिक्चर्स के साथ, कोई सॉन्ग लगाकर या कोई म्यूजिक लगाकर या नात वगैरह आप जो भी लगाकर अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करते हैं। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये वीडियो मैंने कैसे मेक करी तो आप देखते रहिए ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमें गूगल प्लस पर फॉलो कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है फिल्मोरा। आप फिल्मोरा के अंदर भी कर सकते हैं, ये कैमटेशिया के अंदर भी कर सकते हैं, विंडोज मूवी मेकर के अंदर भी कर सकते हैं। जितने मैंने जो एप्लीकेशन आपको उस दिन वीडियो में बताए थे आप सबके अंदर जो है वो कर सकते हैं ये। तो मैं आज इस वीडियो में आपको फिल्मोरा के अंदर बताऊंगा कि फिल्मोरा बेस्ट सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग के लिए और यूट्यूबर्स के लिए। ओके, तो मैं यहां से पहले अपनी पिक सिलेक्ट कर रहा हूं। ये आप इंपोर्ट कैसे करेंगे, आपने यहां इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, इंपोर्ट मीडिया फाइल, और यहां से आप कोई पिक जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं इजिली। ओके, तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं ये इम्पोर्ट हो गई। तो फिलहाल मैंने ये नहीं लेनी, मैंने अपनी ही तकरीबन मैंने 6 पिक जो है वो यहाँ पर रखी हुई हैं और मैं इनको ही जो है वो इंपोर्ट करूंगा। यहाँ पर आपको पहले जो सिंपल वीडियो भी मिल जाएंगी, लाइक आप चाहते हैं कि पहले यहाँ काउंटडाउन हो, काउंटडाउन के बाद जाके जो है वो आपकी ये शुरू हो। तो यहाँ पर देखे ये 3, 2, 1 एंड फिर जो है वो आपकी ये शुरू होगी। तो मैंने फिलहाल ये काउंटडाउन नहीं डाली, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैं यहाँ से फिलहाल अपनी पिक ले लेता हूँ, ये मैंने ऑल जो है यहाँ से सिलेक्ट कर ली एंड देन मैं ऐड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो सारी प्रोजेक्ट के अंदर मेरे ऐड होगी। फिलहाल जो इनका जो ड्यूरेशन है यानी कि हमारी जो पिक एक दिन स्टे करेगी वो 5 सेकंड करेगी। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस पर जस्ट क्लिक करें अपनी पिक के ऊपर और अपनी जो वीडियो फाइल उसके ऊपर क्लिक करें अपनी तस्वीर के एंड देन आप जो है वो कॉर्नर के ऊपर ले जाएं और इसे यहाँ पर क्लिक करके रखें और ड्रैग करें तो ये आपकी बड़ी छोटी भी हो जाएगी। ओके, तो मैं फिलहाल यहाँ पर इसको 5 सेकंड ही रहने दूंगा। ओके, अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि जैसे मेरी जो है पहले ये वाली पिक आ रही है, मैं चाहता हूँ कि पहले मेरी ये आए, तो मैं यहाँ से इसे ड्रैग इन ड्रॉप भी कर ड्रैग करके चेंज भी कर सकता हूँ। मैं इसे ऐसे उठाऊंगा और आगे ले जाऊंगा तो ये मेरी आगे आ गई। अब मैं कहता हूँ कि ये मेरी बाद में आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये, फिर ये। ओके, ये इस तरह से। तो मैं कहता हूँ कि ये मेरी तस्वीर चली जाए यहाँ पर, ये आ जाए इसके बाद और फिर ये वाली तस्वीर ये आ चली जाए यहाँ पर। ओके, तो ये कुछ इस तरह से आएगी। अब मैं यहाँ पर जो है वो म्यूजिक प्ले करूँगा। कोई म्यूजिक अगर डालना है आपने तो म्यूजिक आप वीडियो में से भी लेकर डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपके पास वीडियो है तो वीडियो पर आपको MP3 कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। अपने पिक्चर के साथ अपनी वीडियो को भी इजीली ऐड कर सकते हैं इसमें। ओके, तो ये मैंने एक जो है वो नात ली है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये चले या ठीक है। अब मैंने इसका म्यूजिक लेना है, हालांकि ये वीडियो में है तो म्यूजिक आप इसका कैसे लेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे ठीक है, ऑडियो डी अटैच जो है वो आप ये वाला जो ऑप्शन है ऑडियो वाला आपने इसके ऊपर जो क्लिक करना है तो ये आपसे अलग हो जाएगी, इससे वीडियो से अलग हो जाएगी। ओके, फिर आपने इसको यहाँ पर जाके ड्रैग कर देना है और यहाँ से आपको जितनी नहीं ये आपने वीडियो को ऐसे डिलीट कर देना है तो आपके पास ये जो है ये पूरी ऑडियो आ गई।
तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये यहाँ से जो है वो प्ले होना शुरू हो, तो मैं ऐसे से कट कर दूंगा इसको, यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। आप अलग से अगर आपके पास कोई MP3 फाइल भी है तो वो भी आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे, म्यूजिक के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप जाएंगे माई म्यूजिक के अंदर, और यहाँ से फिर आप जो है वो इम्पोर्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कोई भी फाइल जो है वो इम्पोर्ट करा सकते हैं। तो मैं यहाँ से फिलहाल प्ले करता हूँ, तो ये देखें इसको थोड़ा वॉल्यूम कम कर लेते हैं हम, तो ये इस तरह से चलेगी, थोड़ी देर स्टे होगा, बाद में ये हमारी पिक चेंज हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप डाल सकते हैं, मैं फिलहाल जो है वो नहीं डालूंगा अभी ये। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है वो खुद से कुछ म्यूजिक भी मिल जाएंगे, लाइक ये देखें ये कितने सारे म्यूजिक हैं, ये आपको बस डाउनलोड करना पड़ेंगे और ये बिल्कुल फ्री है। आपने जैसे डाउनलोड कैसे करना है, ऐड के बटन के क्लिक करना है तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ से आपने इसे क्रॉस कर देना है, तो ये आप देखें ऑटोमेटिक जो है वो डाउनलोड होते रहे। ओके, तो अब मैं ये म्यूजिक मैंने जो है वो दो डाउनलोड किए हुए हैं ये प्ले करके। ओके, और दूसरा म्यूजिक ये वाला है, ओके तो मैं फिलहाल जो ये वाला म्यूजिक लूंगा, यहाँ से आपने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो ये देखें ये यहाँ पर म्यूजिक वाले लेयर के अंदर आ गया। अब मैं अगर प्ले करता हूँ तो ये देखें, ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि अब ये देखें यहाँ पर हमारी पिक जो है वो शादी चली जाएगी, यहाँ से अचानक से हमारी जो है पिक आ जाएगी, कोई इसमें बीच में इफेक्ट नहीं आएगा, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है वो इफेक्ट आ जाए। तो अब ये इफेक्ट जो है वो कैसे आएगा मैं ये आपको बता देता हूँ। आपने जो है वो यहाँ पर डालना है ट्रांसलेशन के अंदर जाना है, और यहाँ से फिर आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगी, आपको जो सा भी अच्छा लगे वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये देखें ये इस तरह से हमारी पिक जाएगी और ये इस तरह से जाएगी। तो मैंने फिलहाल जो यहाँ से माय फेवरेट एक मैं डालता हूँ ये वाला, और मैंने फेवरेट भी किए हुए हैं, यहाँ से अपने फेवरेट कैसे करने हैं जो आपको अच्छा लगे, आपने उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से ऐड टू फेवरेट कर देना है। उसके बाद मैं डालता हूँ एक ये, और ये डिसॉल्व डाल देते हैं, ये आप अपने हिसाब से जो है वो चेंज करके भी डाल सकते हैं, या अगर आपने ऐसे नहीं करने आप कहते हैं कि फिल्म ओरा हमें खुद से कस्टमाइज करके डाल दे जो फिल्म ओरा को अच्छे लगते हैं, तो फिर आपने कैसे करना है, आपने कोई भी एक जो है वो उसके ऊपर आकर आपने जो है वो राइट क्लिक करना है और यहाँ से लिखा है रैंडम टू अप्लाई ऑल, तो आप जब इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये रैंडमली जो जो फिल्मोरा जिस जिसके अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पर मैं डालकर देगा। ओके, तो ये फिल्मोरा अपने हिसाब से मैं डालकर देगा। और अगर आप चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे आपको जो है वो अच्छा लगा है ये डिसॉल्व वाला, यानी आप कहते हैं कि हमारी पिक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया ऐसे है, तो फिर आपने क्या करेंगे, अपने स्प्रेड क्लिक करना है अप्लाई आर, तो फिर सबके ऊपर जो है वो एक ही इफेक्ट लगेगा। ओके, मैं फिलहाल जो है वो यहाँ से रैंडमली लूंगा, तो मैं यहाँ से जो है वो इसे रैंडम ऑल कर लेता हूँ इसके ऊपर। ओके, तो ये रैंडमली जो फिल्मोरा को जहाँ पर हमारे बेस्ट लगे हैं ये उसके हिसाब से इसने जो है हमारी पिक को एडिट किया है। तो अब हम प्ले करके देख लेते हैं कि हमारी वीडियो फाइनली कैसी है। तो इसके ऊपर यहाँ से बड़ी स्क्रीन कर लेनी है आपने। ओके, फिर हम छोटी भी चलाते हैं और यहाँ से हम प्ले करते हैं, तो ये इस तरह से आएगी शुरू में। आप चेंज भी कर सकते हैं, अब जैसे मुझे यहाँ का शुरू का अच्छा नहीं लगा तो मैं यहाँ से ये चेंज भी कर सकता हूँ, ये तो फिल्मोरा ने अपने हिसाब से जो है वो बनाई है, तो मैं यहाँ पर जो है वो चेंज करके ये वाला डाल देता हूँ मिसाल के तौर पर, सब समझा रहा हूँ मैं आपको, ये इस तरह से आए। ओके, एंड ये आए, अब मुझे भी अच्छा लगा तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ जो है वो डिसॉल्व डाल देता हूँ या कोई और भी ये वाला, ठीक है। हाँ, और आप इसकी टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आप चाहेंगे यहाँ पर ये जल्दी से जो है वो चेंज हो जाए तो वो आप कैसे करेंगे, आपने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है, सॉरी आप इसको थोड़ा बड़ा कर लें अपने क्रोनिंग, यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है इसके ऊपर और एडिट किया देना है, तो यहाँ से आपको ड्यूरेशन मिल जाएगा, आप 1-3 मिनट ठीक है 24 सेकंड आपने, और यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी ऑप्शन है, यानी कि आप यहाँ पर ड्रैग करके आपको जितना बड़ा रखना है जितना छोटा रखना है उतना भी रख सकते हैं, तो मैं फिलहाल आप छोटा कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आप चाहते हैं कि ये हमारी वीडियो के ऊपर ना, यानी कि ये है बीच में कि दोनों वीडियो पीछे आएगी, तो यानी कि अगर मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिर्फ मेरी पिक के ऊपर अप्लाई होगा, दूसरी पिक के ऊपर नहीं होगा। ओके, और अगर मैं दरमियान में करता हूँ तो ये दूसरी पिक के ऊपर भी जो है वो अप्लाई होगा, और अगर यहाँ करता हूँ यहाँ पर तो अब ये देखें मेरी पिक ऐसे है, ठीक है, तो ये अप्लाई होती है कि आपने कैसे करना है, तो ये आप भी कर सकते हैं ओवरले यूजिंग
रिप्रेजेंट, तो ये अपने जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं फिलहाल यहाँ पर इसको नहीं कर रहा। ओके ये देखें, तो ये इस तरह से जो है आप इफेक्ट्स वगैरह डाल सकते हैं जो उनसे भी आपको अच्छे लगे। उसके बाद आपने एक्सपोर्ट कैसे करना है, अपने एक्सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर, और यहाँ पर आपने कोई भी उसका जो है वो नाम लिख देना है जो भी आपको अच्छा लगे। और यहाँ से आप ब्राउजिंग चेक कर सकते हैं कि आपने कहाँ ब्राउज कराना है, और यह सिलेक्ट करके आप जस्ट एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। अदरवाइज आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर आपको जो है वो थोड़ा ज्यादा पिक्सल रखना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ से 1080 फुल HD रखूंगा। आप अल्ट्रा HD भी इसके अंदर से बना सकते हैं, ये बहुत ही कमाल का इसके अंदर फीचर है। तो दोस्तों ये थी फुल डिटेल के अंदर वीडियो। और हाँ, अगर आपको मेरे से कुछ क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमारी वीडियो के ऊपर जो है वो लिखा आता है फिल्मोरा बड़ा सा करके लिखा आता है, तो वो आपका जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप ये रजिस्टर्ड जो है वो उसे कर लें, आपको रजिस्ट्रेशन की चाहिए होगी इसके लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर कोशिश करूंगा कि बना दूँ कि इसे रजिस्टर कैसे करना है। ओके तो जब आप इसे यूज करेंगे तो फिर आपको जो है वो इंटरनेट अपना बंद रखना होगा, फिर जो है उसको आप यूज नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आप इसे पेड करते हैं तो फिर आप इंटरनेट वगैरह ऑन करके जैसे भी इसे यूज करना चाहें कर लें। तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक शेयर और कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।